सो गाइस, न्यूज़ आप तो बहुत मज़ेदार लग रही है, लेकिन एक चीज़ खटक रही है बहुत ज़्यादा मेरे को, वो ये है कि न्यूज़ एपीआई से लेकर नहीं आ रहे हैं हम अपनी न्यूज़ को। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी न्यूज़ एपीआई से लेकर आए, तो मैं यहाँ पर न्यूज़ एपीआई लिखूंगा, और न्यूज़ एपीआई लिखने के बाद मैं अपना एंड पॉइंट लेकर आऊँगा। कौन सा एंड पॉइंट लेकर आऊँगा मैं वो एंड पॉइंट लेकर आऊँगा जो कि मुझे सारी की सारी न्यूज़ देगी। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसको यूज़ करने के। ऑल आर्टिकल्स मैंशनिंग एप्पल फ्रॉम यस्टरडे सॉर्टेड बाय पॉपुलर पब्लिशर्स फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं पर आप लोगों को बताता हूं कि ये जो आर्टिकल्स हैं सारे, ये 2550 आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये सारे आर्टिकल्स आप लोगों को नहीं देगा, ये कुछ आर्टिकल्स आप लोगों को देगा, और उसके बाद आप लोगों को एक पेज पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू करके। और इससे क्या होगा कि आप लोग जब पेज इज इक्वल टू यूज करोगे तो बड़े आराम से आप लोग पेजिनेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, टॉप बिजनेस हेडलाइंस इन द यूएस राइट नाउ, और इसी के साथ ऑल आर्टिकल्स अबाउट टेस्ला फ्रॉम लास्ट मंथ, टॉप हेडलाइंस फ्रॉम टेक क्रंच राइट नाउ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप बिजनेस हेडलाइंस इन द यूएस यहाँ पर है। अब देखो, कैटेगरी इज इक्वल टू बिजनेस है, मैं ये कैटेगरी इज इक्वल टू बिजनेस भी हटा दूंगा। अब देखो, मेरी एपीआई की डली हुई है यहाँ पर, तो मैं अगर एक नई टैब खोलूँ और कंट्री इज इक्वल टू इंडिया कर दूँ यहाँ पर, और कैटेगरी इज इक्वल टू बिजनेस ही रहने देता हूँ अभी के लिए, तो यहाँ पर देखो 70 आर्टिकल्स आ गए। बट अगर मैं कैटेगरी इज इक्वल टू बिजनेस हटा दूँ, जो कि एक फिल्टर का काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ बिजनेस वाली मुझे न्यूज़ दे रहा है, अगर मैं ये हटा दूँ तो देखो यहाँ पर 38 मुझे यहाँ पर आर्टिकल्स मिल गए, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया की टॉप हेडलाइंस। ठीक है, तो ये सिर्फ टॉप टॉप हेडलाइंस है। अगर ऑल आर्टिकल्स चाहिए मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ऑल आर्टिकल्स के लिए मुझे यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, ऑल आर्टिकल्स के लिए मुझे ये स्लैश एवरीथिंग यूज़ करना पड़ेगा। बट एक काम करते हैं, अभी के लिए टॉप हेडलाइंस ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैंने टॉप हेडलाइंस किया यूज़, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया कर दिया, और अब क्या करेंगे, इस एंड पॉइंट से लेकर आएंगे डेटा को। तो ये जो आर्टिकल्स मैंने आर्टिकल्स इज इक्वल टू ये लिया हुआ था, और दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू ये दिया हुआ था, मैं ये काम अब क्या करूँगा, अब मैं आर्टिकल्स को चेंज करूंगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं, कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज नहीं करूंगा, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर चेंज करूंगा। कंपोनेंट डिड माउंट क्या होता है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट के बारे में बताता हूँ। कंपोनेंट डिड माउंट एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। अब देखो, लाइफ साइकिल मेथड के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ऐप के मज़े को रखने के लिए, यानी कि जो हमारी न्यूज़ ऐप बन रही है इसमें आपको मज़ा आता रहा, इसके लिए मैं आपको कंपोनेंट डिड माउंट बताता हूँ, कब काम करेगा ये, कब रन होगा। ये रन तब होगा जब आपका ये रेंडर मेथड रन हो जाएगा, रेंडर के बाद रन होगा, यानी कि जब आपका ये सब कुछ रेंडर हो जाता है उसके बाद आपका कंपोनेंट डिड माउंट रन होगा। तो अगर मैं यहां पर मान लो रेंडर के अंदर कंसोल डॉट लॉग रेंडर लिखूं, और मैं एक कंसोल डॉट लॉग लिख दूं यहां पर कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर, कंपोनेंट डिड माउंट को मैं CDM लिख देता हूं टाइम बचाने के लिए, और अगर मैं NPM रन स्टार्ट करूं अभी यहां पर, जो कि ऑलरेडी हो रखा है, और मैं यहां पर आप लोग को दिखाऊं, तो कंसोल के अंदर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर देखो रेंडर पहले रन हो रहा है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट रन हो रहा है, और सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टर रेंडर से भी पहले रन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है ये सबसे पहले रन हो रहा है, तो ये ऑर्डर तो हमें पता चल गया, प्रिटी मच इतना ही होता है यार, बहुत ज़्यादा नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। बट हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर एक वार्निंग मिल रही है जो कि एंकर टैग को लेकर मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि एनी वे हम लोग आगे रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से हम लोग लिंक और टू का इस्तेमाल करेंगे, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, बाद में इन सब चीज़ों को हम लोग फिक्स करेंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर ये URL यूज़ करना है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट URL इज इक्वल टू, जो कि मेरा URL है। किस चीज़ का URL है, ये मेरा URL है न्यूज़ को फैच करने का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फैच API का यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट डेटा इज इक्वल टू, और मैं फैच API का यूज़ करूँगा, फैच API लेती है URL, ठीक है, और रिटर्न करती है एक प्रॉमिस, तो मैं असिंक अवेट यूज़ कर सकता हूँ। असिंक अवेट का क्या मतलब है, असिंक अवेट का मतलब ये है कि आप इसको एसिंक कर दें, और आप ये जो फैच जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है इसके लिए वेट करें, तो एक एसिंक फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर वेट कर सकता है कुछ प्रॉमिसेस के रिजॉल्व होने का। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एसिंक लिख दिया तो क्या होगा, अगर मैं लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट लिख दूंगा तो ये तो एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये एसिंक काम करेगा, तो क्या होगा, ये इंतजार करेगा इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का। ठीक है, और फाइनली ये मुझे डेटा देगा, तो मैं अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग डेटा करूँगा तो ये अपने आप में एक प्रॉमिस होगी। कौन सी प्रॉमिस होगी, ये एक्चुअली में जो मुझे डेटा आया है, अगर मैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या मैं उसको जेसन में पार्स करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं काम करूँगा कि लेट डेटा इज इक्वल टू, मैंने ये कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट पार्स्ड डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट जेसन। ठीक है, और मैं इसको भी अवेट करूंगा, और मैं पास डेटा को लॉक करूंगा कंसोल पे, और ये मुझे पास डेटा मेरा दे देगा जेसन। ठीक है, और ये जो मुझे पास डेटा मिलने वाला है, जो कि इनफैक्ट मिल ही गया होगा अभी तक मुझे, देखो स्टेटस ओके, ये डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया है, देख रहे हो आप लोग,
ये देखो ये मुझे मिल गया कंपोनेंट डेड बाउंड, जैसे मैंने कि आर्टिकल्स 20 मिल गया, मैं इसको रिलोड करूंगा अगर, तो ये वापस से मिल जाएगा। बार बार रिलोड मत करना, बार बार रिलोड करोगे तो क्या होगा ना कि आपकी जो एपीआई की लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो मुझे जेसन मिली है, मैं दिस डॉट सेट स्टेट का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा यार स्टेट का जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स को आप सेट कर दो पार्स डेटा डॉट आर्टिकल्स, ठीक है। और मैं जैसे ही ये काम करूंगा तो मेरे पॉपुलेट हो जाने चाहिए सारे के सारे आर्टिकल्स। अब यहाँ पर देखो एक एरर आ गया, क्या कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी स्लाइस ऑफ नल, क्या चीज़ मैंने स्लाइस करी थी, कहीं मैंने कोई ऐसी चीज़ स्लाइस करी है जो कि मौजूद नहीं है और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो मैं उस चीज़ को देखता हूँ क्या है, सोर्स है ऑथर नल, देखो यहाँ पर ऑथर नल है, तो अगर ऑथर नल भी हो ना तब भी मुझे इसको डील करना पड़ेगा, यानी कि ऑथर अगर कभी कभी ऑथर नल है, हो सकता है टाइटल कहीं कहीं नल हो, तो अगर कभी भी कोई भी फील्ड नल हो जाए, जैसे डिस्क्रिप्शन नल है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये डिस्क्रिप्शन इसका नल है, तो अगर कहीं भी डिस्क्रिप्शन वगैरह नल है तो मुझे उसके साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर लिखा एलिमेंट डॉट टाइटल डॉट स्लाइस, ये जो मैंने लिखा हुआ है, अभी के लिए काम करता हूँ मैं स्लाइस को हटा देता हूँ, मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता उन चक्करों में। या फिर एक काम करूँगा मैं कि इन सारे के सारे पास डेटा के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को नल ना करके मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पे सेट कर दूँगा। तो या फिर एक काम करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं यहाँ पर, टाइटल इज इक्वल टू, या तो अगर एलिमेंट इज़ नॉट नल, इफ़ एलिमेंट इज़ नॉट नल तो मैं लिखूँगा एलिमेंट अगर नल नहीं है तब तो ये कर दो, वरना क्या कर दो, वरना ब्लैंक कर दो, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एलिमेंट नल नहीं, एलिमेंट डॉट टाइटल, अगर एलिमेंट डॉट टाइटल नल है तो कुछ इस तरह से कर दो, और यही काम मैं एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन के साथ भी करूँगा। तो मैं कहूँगा कि अगर एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन नल है तो ये कर दो, वरना क्या कर दो, एम्प्टी कर दो, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया शायद, एलिमेंट डॉट टाइटल अगर नल है तब ये नहीं कर सकते, तो मैं नॉट ऑफ एलिमेंट डॉट टाइटल करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे नॉट ऑफ एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन करूँगा। अभी देखता हूँ कि यार मेरा एरर फिक्स हुए कि नहीं हुए। तो मैं यहाँ पर कह रहा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी स्लाइस ऑफ नल वापस से, अभी देखो अब सही हो गया, रिलोड किया मैंने, उसके बाद यहाँ पर दिक्कत आ गई। तो क्या दिक्कत आ रही है अभी यहाँ पर, स्लाइस ऑफ नल, तो यहाँ पर नॉट ऑफ एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन मैंने कह दिया, अगर एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन नल है तो क्या होगा, अगर एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन नल है तो, नहीं यार मैंने उल्टा नहीं लिखा था एक्चुअली, जो नॉट ऑफ नल होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर ये नल हुआ, मान लो ये नल है तो क्या होगा, तो मैं else में जाना चाहूँगा, मैं ये चीज़ लेना चाहूँगा। और अभी यार प्लीज़ चल जाना React App, मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है लगाने के लिए। तो हाँ यार अभी देखो हमारी हेडलाइन जो है, जैसे ही सारी की सारी हेडलाइंस आ गई, देखो सब रिप्लेस हो गई अपने अपने आर्टिकल्स से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इमेज क्यों नहीं लोड हुई, ये भी देख लेते हैं यार, ये इमेज क्यों नहीं लोड हुई। तो यार न्यूज़ API एक ऐसी इमेज दे रही है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है शायद, ये तो गलत बात है यार। अगर न्यूज़ API की इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट अभी के लिए देखो यार ये न्यूज़ ऐप बिल्कुल सही दिख रही है, क्या मैं पढ़ पा रहा हूँ ये सारी न्यूज़, क्या ये न्यूज़ सारी की सारी मुझे करेक्ट आर्टिकल्स पर भेज रही हैं, नीरज चोपड़ा वाले आर्टिकल पर हाँ भेज रही है ये, बट इमेज क्यों नहीं मैं यहाँ पर ले पा रहा हूँ, क्योंकि इमेज नल होगी इस वाले आर्टिकल की, ज़रूर से नल होगी। तो देखो इमेज जो है, अब जैसे यहाँ पर आईडी नल दे रखा है इन्होंने, इमेज भी इन्होंने नल कहीं ना कहीं दे रखी होगी, इमेज और स्पेस देके नल, देखो यहाँ पर URL टू इमेज नल दे रखा है इन्होंने। तो अगर URL टू इमेज नल है तब मुझे एक डिफ़ॉल्ट URL यूज़ करना पड़ेगा न्यूज़ का। तो मैं काम करता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट URL लेता हूँ न्यूज़ का, और वो मैं ये रख सकता हूँ डिफ़ॉल्ट URL न्यूज़ का, लेट अस से मैं ये वाली इमेज रख रहा हूँ, ठीक है, मैं ये इमेज रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने न्यूज़ आइटम में जाऊँगा, मैं कहूँगा अगर इमेज URL नल हुई, अगर ये नल हुई तब यार ये इमेज यूज़ कर लो, वरना क्या यूज़ करो, वरना यूज़ करो इमेज URL, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, ये टर्नरी ऑपरेटर है, अगर इमेज URL नल हुई, अब देखो ये चीज़ फिक्स हो जाएगी इससे, देखो अगर ये मैं इसको रिलोड करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, देखो सारे के सारी URLs मैंने गड़बड़ कर दी लगता है, उल्टा लिख दिया। देखो इमेज URL अगर नल हुआ तब क्या होगा, मैं कहूँगा नॉट ऑफ नल, अगर ये नल नहीं है तब ये शो करो, ठीक है, अगर नल नहीं है तो मैं यहाँ पर नॉट ऑफ नल जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो जब जब ये नल होगी तब ये वाला URL शो होगा, वरना ये वाला URL शो होगा, इमेज टू URL शो होगा, अभी चल जाना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पर ये वाला URL मैंने यूज़ कर लिया, अब ये ट्रिपल डॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन भी नल होगा, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है हमको, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो हमने प्रिटी मच सारे आर्टिकल्स फेच कर दिए। इनफैक्ट मैं एक काम करना चाहूँगा, अभी मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रिपल डॉट्स एंड कटिंग दी आर्टिकल्स, मेरे हिसाब से अगर किसी आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन बड़ा है, किसी आर्टिकल का छोटा है, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्लाइसेस कर रहा हूँ, मैं मुझे स्लाइसेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं बस आप लोगों को बता रहा था कि कैसे आप लोगों को करना है, इनफैक्ट प्लान भी था मेरा करने का, बट अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्लाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो स्लाइसेस, अगर आप लोग नहीं करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। शायद आपका कोई कोई जो टाइटल और वो सब है वो बड़ा हो जाए। अब जैसे हम मान लो एक क्रिकेट की न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसकी हेडलाइन इन्होंने यहाँ पर यहाँ से उठा ली है, रवींद्र जडेजा स्ट्राइक, इंग्लैंड लीड बाय 104 एट लंच। तो यहाँ पर जो है रवींद्र जडेजा स्ट्राइक तो लिख कर आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, ये आर्टिकल की टाइटल इन्होंने पता नहीं कैसे निकाल लिया, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बट मे बी इन्होंने कहीं ना कहीं से ली होगी ये टाइटल। बट एनी वेज हमको मिल रही है न्यूज़ अपनी न्यूज़ मॉन्की ऐप में, एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग द न्यूज़ वी शुड बी फाइन। अब एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, ये तो पेज वन है आर्टिकल का। अब अगर अगर मैं यहाँ पर आप लोग को इसकी लेंथ दिखाऊँ आर्टिकल की, आर्टिकल की नहीं सॉरी, मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, ये जो एरे है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट आया है, 20 आर्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है। बट आर्टिकल्स 20 हैं बट टोटल रिजल्ट 38 है, इसका मतलब 18 आर्टिकल्स और हैं अभी फेच करने के लिए। तो उनको हम लोग कैसे फेच कर सकते हैं, हम उसको फेच कर सकते हैं एक नेक्स्ट बटन बनाकर। अगर मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट बटन बनाऊंगा तो मैं पेज इज इक्वल टू 2 को फेच कर सकता हूँ, और मैं प्रीवियस बटन बनाऊंगा उसमें मैं पेज इज इक्वल टू 1 को वापस से फेच कर सकता हूँ। तो इस तरह का काम हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। अभी के लिए जितने भी न्यूज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम डिस्प्ले करा पा रहे हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोग को मज़ा भी आ रहा है इस चीज़ को करने का। अगर आप ट्रंकेट करना चाहते हैं टाइटल वगैरह तो वो कर सकते हैं, बट मैंने अभी इसको ऐसे ही रहने दिया है, जो न्यूज़ जितनी बढ़िया उसको उतना ही रहने देते हैं। और आप लोग जो है इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, बट डिप्लॉय करने में एक दिक्कत यह आएगी कि जो न्यूज़ API है ये आप लोगों को लोकल होस्ट से ही जो आपका कोर्स है वो इनेबल करके देती है, यानी कि आप अगर अपनी वेबसाइट पर डिप्लॉय करोगे इसको और फिर उसके बाद API को यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अभी हम लोकल होस्ट में इसलिए हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट के लिए, रिएक्ट को सीखने के लिए अच्छा है। मुझे नहीं पता इसके कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है, मे बी हो मे बी ना हो, मुझे नहीं मालूम, बट अभी के लिए जो है ये API बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है और हमको रिएक्ट सीखने का पूरा मज़ा दे रही है। अभी जो न्यूज़ मंकी टॉप हेडलाइंस है इसको मैं ज़रा H1 कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो मैं इसको H1 कर लूँगा। और H1 करने के बाद देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है अभी और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे आर्टिकल्स थे, मैं इन आर्टिकल्स को, ये जो ऊपर मैंने आर्टिकल्स लिखा हुआ है इसको मैं हटाना चाहूँगा, मैं इसको हटाना चाहूँगा, मुझे अब ये नहीं चाहिए। मेरा कोड बहुत अजीब सा दिख रहा था इनकी वजह से, और ये जो दिस डॉट आर्टिकल्स है अब तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो मैं एक एम्प्टी एरे दे दूंगा आर्टिकल को जब हमारा कंस्ट्रक्टर रन होगा तो, ठीक है। तो हमारी स्टेट में आर्टिकल्स नहीं होंगे, बट फाइनली क्या होगा कि ये हमारा कंपोनेंट डिड माउंट रन होगा और ये इस API से लेकर आएगा, और मैं ये कंसोल डॉट लॉग भी हटा देता हूँ। तो क्या होगा कि ये इस API से डेटा लेकर आएगा और फाइनली क्या होगा कि हम लोग पॉपुलेट करेंगे इसको। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, अब मैं इसको रिलोड करूँगा अगर, तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और फाइनली ये है। तो मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, यहाँ पर लोडिंग जो है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लोडिंग फॉल्स, इसको लोडिंग ट्रू करके मैं यहाँ पर मे बी एक स्पिनर या फिर सिर्फ लोडिंग लिखा हुआ या गोल गोल कुछ कुछ घूमता हुआ वो मैं डिस्प्ले कराना चाहूँगा। सो ये काम हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है इन वीडियोज़ को देख कर, रिएक्ट सीख कर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना है, क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और यहाँ पर क्लिक करके बुक मार्क जरूर कर लेना। 26 वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।